अलग है। मैं एक उदाहरण देती हूँ तुम्हें, क्या बोले कमल का पुष्प जो है वो खिलता कब है? बोले सूर्य उदय होता है तब वो खिलता है, और सूर्य जब अस्त होता है तो कमल क्या होता है? बंद हो जाता है। तो मंदरा ने यही उदाहरण दिया कि सूर्य नारायण कमल को खिलाने वाला होता है, कब तक? जब तक उसकी जड़ में तालाब में पानी भरा रहता है तब तक तो यही सूर्य नारायण कमल को खिलाने वाला रहता है, लेकिन अगर तालाब का पानी सूख जाए तो फिर ये खिलाने वाला कमल ही, सूर्य ही कमल को जला करके राख कर देता है। खिलाता कब तक है? जब तक उसके जड़ में पानी भरा रहता है। तो मंत्रा कहती है कि केकई, जब तक श्री महाराज दशरथ जी तुम्हारे अधीन है, राज सत्ता भी एक तरह से तुम्हारे ही पास है, तब तक श्री राम तुम्हें प्रेम करेंगे, लेकिन जैसे ही राज सत्ता मिलेगी उसके बाद में श्री राम तुमको दूध से मक्खी निकाल के फेंकते है ना, वैसे ही निकाल करके फेंक देंगे। अब माँ केकई पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। केकई माँ ने कहा कि अच्छा तुम बताओ कि अब करना क्या है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। गाड़ी जो है वो पटरी से कब उतरती है? कि जब सुमति से हट करके कुमति वालों के पास में बैठ करके हम ये कह दे कि हमारे विचार काम नहीं कर रहे, तुम ही अपने विचार बताओ, तो अब सामने वाला तो अपने ही विचार बताएगा ना, और सामने वाला अगर आपको सिखा रहा है तो जो बुरे विचार है वही आपकी खोपड़ी में डालेगा। मैया ने कहा तुम ही बताओ, मेरे तो खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ। तो मंदरा ने कहा कि ऐसा करो कि दो वरदान जो धरोहर के रूप में तुम्हारे हैं, एक वरदान मांगना श्री राम का वनवास, और दूसरा वरदान मांगना श्री भरत का राज तिलक। और सुनो, ये 14 वर्ष की जो अवधि है ना, ये मंत्रा ने नहीं दी है। मंत्रा तो पूरी तरह से पत्ता काटना चाहते थे कि हमेशा हमेशा के लिए वन में चले जाए, क्योंकि उसे डर था लक्ष्मण लाल जी से। उसको पता था कि 14 वर्ष अगर बता दूं तो 14 वर्ष के बाद में जब लक्ष्मण लाल जी आएंगे, जाते समय तो मामला गर्म रहेगा, तब कुछ नहीं कहेंगे, पर लौट करके जब आएंगे ना तो सबसे पहले लक्ष्मण लाल जी मेरी ही सेकाई करेंगे, तो इसलिए लक्ष्मण लाल जी भी राम जी के साथ जाएंगे, ये मुझे पता है। तो हमेशा हमेशा के लिए जंगल में चले जाए और बड़ा टल जाए, इसलिए मंत्रा ने अवधि नहीं दी। ये 14 वर्ष की अवधि तो श्री माँ केकई ने लगाई है। तो मंत्रा ने कहा कि ऐसे वरदान मांगना, और प्रबल गुरु है, एक एक पॉइंट सिखाती। सुनो, वरदान कैसे मांगना है? कैसे? बोले पहले नंबर पर मांग लेना श्री भरत का राज तिलक, और दूसरे नंबर पर मांगना श्री राम का 14 वर्ष का वनवास। ऐसा मंत्रा ने क्यों सिखाया? क्योंकि मंत्रा जानती है कि श्री राम के वनवास के प्रसंग को सुनने के बाद महाराज दशरथ जी प्राण को छोड़ देंगे, तो बाद में मरे चाहे जिए मुझे क्या करना है। माँ को नहीं कहा उसने कि वो मरी जाएंगे, क्या कहा? मरे चाहे जिए पर मेरा काम हो जाएगा, बस मैं तो ये चाहती हूँ। इसीलिए मंत्रा ने कहा पहला वरदान मांगना भरत का राज तिलक, और दूसरा वरदान मांगना श्री राम का वनवास। अच्छा ठीक है, और सुनो, जब तक वो श्री राम जी की सौगंध ना ले तब तक तुम्हें अपना मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रा ये भी जानती है कि धर्म को छोड़ देंगे, कुल की रीति छोड़ देंगे, लेकिन श्री राम की सौगंध को नहीं छोड़ेंगे। अब मंत्रा ने कहा और सुनो, ऐसा है कि ठाट बाट से वरदान नहीं मिलता है, तब बोले आभूषण उतारो, वस्त्र उतारो, और सीधे कोप भवन में चली जाओ, वहां जाकर के वरदान मिलता है। तो मैया को सीधे कोप भवन में मंत्रा ने पहुंचा दिया है। और इधर महाराज दशरथ जी शाम के समय में आते हैं, तो हर बार की तरह मैया आज आरती लेकर के द्वार पर खड़ी नहीं है। मंत्रा बाहर पहरा दे रही, पूछा कि आज केकई तबीयत खराब है उसकी, कहाँ है केकई? तो मंत्रा ने कहा मुझे तो देखो पता नहीं, मैं तो दासी हूँ, मुझे का पता, इधर आप चले जाइए कोप भवन में। तो जैसे बात सुनी श्री महाराज दशरथ जी कोप भवन में प्रवेश करते हैं। अब देखो हो ये रहा है कि अयोध्या में 3 लोगों का आगमन हुआ है, इसलिए 3 जा रहे हैं, श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी सीता जी, 3 जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 आकर के सीट पर बैठ गए हैं। जैसे हम सीट पर अगर बैठे और कोई अगला व्यक्ति आ जाए, दूसरी सीट नहीं है, तो उसको अपनी गोदी में थोड़ी बिठाएंगे, यही कहेंगे ना भैया आप बैठिए हम जा रहे हैं। तो श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी और सीता जी, ये 3 इसलिए गए क्योंकि 3 नए आए हैं, इसलिए 3 जा रहे हैं। कौन? श्री महाराज दशरथ जी के मन में काम आ गया है, तो जहाँ काम रहता वहां श्री राम नहीं रहते हैं। तो श्री राम ने कहा कि जब काम आ गया है तो राम को रहना नहीं है, तो काम आया तो श्री राम निकल गए। दूसरा, मंत्रा के मन में लोभ आया है, ये लोभी है, तो लक्ष्मण लाल जी त्यागी है, जहाँ लोभ रहता है वह त्यागी नहीं रहता है।
आज तक किसी लोभी व्यक्ति ने त्याग किया है? त्याग और लोभी एक साथ नहीं रहते। तो लक्ष्मण लाल जी के मन में लोभ, मंत्रा के मन में लोभ आया तो लोभी आई तो त्यागी लक्ष्मण लाल जी निकल गए। मैया कैकेयी के मन में क्रोध आया तो शांति स्वरूपा सीता जी यहाँ से चली गई। आज तक कभी किसी के मुख से सुना है कि हमको क्रोध आता है तो बड़ी शांति मिलती है? जहाँ क्रोध आता है वहां शांति आती है कि जाती है? तो क्रोध कैकेयी माँ के मन में आया तो शांति रूपी सीता जी यहाँ से चली गई है। महाराज ने अंदर महल में प्रवेश किया, मैया कैकेयी को मनाया, कैकेयी मैया ने फटकार लगा दी, बोले राजकाज में व्यस्त रहते हो, हमारे वरदान कब दोगे? तो महाराज ने कहा कि अच्छा तुम इसलिए नाराज हो, आज तो दो की बजाय चार मांगलों में श्री राम को राजा बनाने जा रहा हूँ। तो कैकेयी मैया ने कहा कि मुझे चार नहीं, मुझे तो मेरे दो ही चाहिए और आपको वरदान देना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा कि हाँ मांगो, पर अब मांग इसलिए नहीं रही है क्योंकि गुरु ने सिखाया कि श्री राम की सौगंध न खाए तब तक अपना मुंह खोलना नहीं है। और अंत में श्री महाराज दशरथ जी ने राम जी की सौगंध खाई ली कि भामिनी राम शपथ सत मोही, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, मांगो क्या चाहिए। मैया कैकेयी फिर कुल की रीति पर लांछन लगा दिया कि आपकी रीति ऐसी है, आपका परिवार ऐसा है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा सावधान कैकेयी, मेरे कुल की रीति जो रिवाज है वो तुम्हें पता नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली सदा चली आई है, प्राण भले ही चला जाए लेकिन देवी वचन कभी नहीं जाता है, इसीलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मेरे प्राण भी मांगोगी तो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो कैकेयी मैया ने देख लिया कि गुरु ने सिखाया था कि राम जी की सौगंध खाए तब मांगना, तो राम जी की सौगंध खा लिए है। अब मैया कैकेयी ने कहा कि ठीक है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे पहला वरदान मांगती हूँ कि पहला वरदान तो ये दीजिए कि कल जो श्री राम को आप राजा बनाने जा रहे थे तो राम को हटा करके मेरे बेटे भरत का राज तिलक करिए, ये मेरा पहला वरदान है। और दूसरा वरदान और ध्यान से सुनिए। बोले ठीक है, दूसरा वरदान ये है कि कल प्रातः काल श्री राम 14 वर्ष के लिए वलकल वस्त्र धारण करें और चरण में पादुका नहीं पहने, शीश पर जटा बनाए और श्री राम जी यहाँ से वन को चले जाए। तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष रामो बनवासी। यह सुनते ही श्री महाराज दशरथ जी स्थिर हो गए, ध्यान से कैकेयी मैया को देख रहे हैं और फिर कह रहे कि कैकेयी तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम मेरी कैकेयी नहीं हो सकती हो। मेरी कैकेयी तो रोज यही कहती है अयोध्या में इतने सारे लोग हैं, किसी ने मुझे नहीं कहा कि श्री राम राजा बन जाए। मन में भले चाहते हो लेकिन मुझसे नहीं कहा कि श्री राम को राजा बना दो, पर कैकेयी तुम ही वो पात्र हो जो रोज मुझसे कहती थी कि श्री राम को राजा बनाओ, श्री राम को राजा बनाओ। तो मेरी कैकेयी तो वो है जिसने अपनी संतान भरत को दूध नहीं पिलाया उतना दूध श्री राम को पिलाया है, इसीलिए मेरी कैकेयी नहीं हो सकती, तुम हो कौन? कैकेयी मैया ने कहा कि हाँ वो जो कैकेयी थी वो तो अब बदल गई है। महाराज ने कहा तुम कहीं विरोध तो नहीं करी, मजाक तो नहीं करी हो? श्री माँ कैकेयी ने कहा कि जो मजाक करने वाली कैकेयी थी ना वो तो अब बदल गई है, मेरा स्वभाव बदल गया है, या तो वरदान दीजिए नहीं तो मैं कल ही सुबह इस महल से कूद करके प्राण को त्याग दूंगी। जब नहीं मांग रही थी तो बड़े कह रहे थे, बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे कि रघुकुल ये है, रघुकुल ये है, आपको क्या लगा कि मैं चवे ना मांग लूंगी आपसे?
मैंने जो वरदान मांगे या तो आप उन्हें दीजिए और या तो फिर आप मना कर दीजिए। महाराज दशरथ जी बार बार मनाते हैं लेकिन केकई मैया मानती नहीं है। अंत में महाराज दशरथ जी ने कहा कि केकई मेरा काल ही तुम्हारे रूप में आ गया है, मेरी मृत्यु बोल रही है, मुझे पता है कि मेरा जीवन अब खत्म होने वाला है, पर केकई अंतिम शब्द में तुम्हें यही कहता हूँ कि तू अयोध्या को उजाड़ना चाहती है, अयोध्या उजड़ेगी नहीं, अयोध्या वापस ऐसी बसेगी, श्री राम ही राजा बनेंगे और भरत सेवा करेगा और केवल दो चीज का पश्चाताप रह जाएगा, एक तो तुम्हारे मस्तक पर जो कलंक लगेगा वो कभी मिटेगा नहीं और दूसरा श्री राम को राजा बनते हुए देखने के लिए राजा दशरथ जिंदा जीवित नहीं रहेगा, ये दो चीज रहेगी, बाकी तो सब वैसा का वैसा हो जाएगा। ये कह करके महाराज दशरथ जी ने कहा कि केकई तू भले कुछ भी कर पर जब तक शरीर में प्राण है मेरी आंखों के सामने तुम आना मत। यह कह करके महाराज दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े हैं, मूर्छित हो गए और रात्रि भर याद करते हैं कि प्रभु सुबह नहीं होना चाहिए, अगर सुबह हो गया तो हे सूर्य नारायण रघुवंश में अंधकार हो जाएगा। भगवान शिव जी से प्रार्थना करते कि हे भोले बाबा किसी भी तरह से सुबह आप होने मत देना। रात्रि भर श्री महाराज दशरथ जी मन ही मन में प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोते हैं कि प्रभु हर हालत में सूर्य उदय होना ही नहीं चाहिए ताकि श्री राम वन में जाए नहीं, श्री राम को सूचना मिले नहीं। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है, जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर जाता है, जब याद तुम्हारी आती है।
रात्रि भर बीत जाती है, भले कितनी भी कोशिश करे कि रात सुबह ना हो, लेकिन सुबह भी समय पर हो ही जाता है, रात भी समय पर हो ही जाती है। प्रातः काल हुआ, सारे लोग खड़े हैं, सूर्य बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन अभी तक श्री महाराज दशरथ जी बाहर नहीं निकले। श्री वशिष्ठ महाराज जी ने कहा है, तुरंत सुमन जी को भेजा कि कहीं महाराज की तबीयत तो खराब नहीं है, अभी तो आ जाना चाहिए था, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले अभी भी नहीं जगे हैं। तो सुमंत महाराज जी गए तो मंत्रा बाहर घूम रही है, बोले आज दोनों इधर नहीं है, उधर कोप भवन में देखो। तो मंत्रा के कहने पर जैसे सुमन जी कोप भवन में प्रवेश किए, तो जीवन में आज पहली बार श्री सुमंत महाराज जी ने जिस अवस्था में महाराज दशरथ जी को देखा, आज से पहले कभी भी ऐसी अवस्था में श्री महाराज को नहीं देखा है। सुमन जी मंत्री कम और सखा ज्यादा थे, और कब से है, बचपन से श्री महाराज दशरथ जी के साथ है, इसलिए महाराज दशरथ जी को बचपन से जानते हैं। किसी भी परिस्थिति में श्री महाराज दशरथ जी को ऐसी हालत में नहीं देखा है। आज संपूर्ण भारत का चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ जी भूमि पर पड़े हुए ऐसे पड़े हैं जैसे चंद्रमा का अमृत किसी ने सोख लिया है और चंदा अमृत विहीन भूमि पर पड़ा है, ऐसे श्री महाराज दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं। सुमन जी दौड़ते आए, गोदी में उठा करके सैया पर लेटाया, जय जीव कह करके प्रणाम किया, और माँ केके से पूछा कि महाराज की दशा कैसे हो गई मैया। तो मैया केके ने कहा कि मैं अयोध्या की महारानी होने के नाते आपको आदेश करती हूँ कि मुझसे एक भी प्रश्न पूछा न जाए, और तुरंत श्री राम को बुला करके लाओ। सुमन जी ने बाहर सूचना दे दी, लोगों ने सारे बधावे बैंड बाजे जो भी बजाना था वो बंद कर दिया, और श्री राम को बुला करके सुमन जी जब लाए, न शीश पर मुकुट है श्री राम जी के, न चरण पादुका है, नंगे पैर श्री राम जी भागते आ रहे हैं। जैसे श्री महाराज दशरथ जी के दशा देखी, आज पहली बार पृथ्वी पर आने के बाद में श्री राम जी ने दुख के दर्शन किए हैं, मानो आज दुख का प्रवेश हुआ। श्री राम जी ने जाकर के प्रणाम किया और पिताजी का मस्तक गोदी में लेकर के श्री राम जी ने पूछा कि मैया ये कैसे, क्या हुआ है। तो मैया केकई ने अपनी आदि से अंत तक सारी कथा सुना दी कि मैंने ऐसा ऐसा वरदान मांगा है और तुम्हारे प्रेम के अधीन होकर के श्री महाराज दशरथ जी की दशा बिगड़ी है। तो श्री राम जी, इतने में महाराज दशरथ जी को होश आ गया, श्री राम जी ने मस्तक को गोदी में लेकर के समझाया कि पिताजी ये तो रघुवंश है, यहाँ पर तो उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं। महाराज दशरथ जी रोते हुए कहा कि आज मैं पहली बार तुम्हें भगवान मान करके प्रश्न पूछता हूँ कि राघव कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस पल चाखा, कर्म मैंने किया है, वरदान मैंने दिया है, तो कर्म तुम्हें इसका फल तुम्हें क्यों भोगना पड़ रहा है, मुझे वन में जाना चाहिए था लेकिन तुम्हें वन में जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये आपने उल्टा क्यों कर दिया, जबकि आपने नियम बनाया है कि जो कर्म करता है वही फल को पाता है, तो यहाँ कर्म मैंने किया है, फल आप क्यों भोग रहे हो। श्री राम जी ने बात को घुमा दिया और कहा कि पिताजी रघुवंश है, रघुवंश में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसीलिए आप चिंता मत करो, कल अवधि बीत जाएगी, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो श्री महाराज दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। श्री राम जी ने सोचा कि मैया कुछ और बोलेगी और दुखी होंगे, इसलिए श्री राम जी ने कहा मैं माँ से अनुमति लेकर के इसी समय यहाँ से निकलता हूँ। अब श्री राम जी के साथ में सुमन जी के बेटे दोनों पहुँचते हैं श्री माँ कौशल्या के पास में। कौशल्या मैया अभी भी थाली में आरती लेकर के भगवान के पूजन पाठ कर रही है। मैया कौशल्या को कुछ भी पता नहीं है। सारे लोगों को जब ये सूचना मिली तो सारे लोग केकई माँ को गालियां दिए जा रहे हैं, इतनी गालियां दिए जा रहे हैं कि ये कड़वी बेल निकली है, ऊपर से तो इतनी मीठी और अंदर से इतनी कड़वी है। श्री राम जी मैया कौशल्या के पास में आए, माँ कौशल्या थाली लेकर के खड़ी थी, कहा राघव तुम अभी भी तैयार नहीं हुए हो, तुम्हें तो श्री जल्दी जल्दी राजा तुम बनोगे तो बेटा उससे पहले शोभा यात्रा निकलेगी, तुम कलेवा कब करोगे, जल्दी जल्दी कलेवा करो, जल्दी जल्दी तैयार हो। तो श्री राम जी मन में सोच रहे हैं कि पिताजी को समझाना तो फिर भी सरल है, लेकिन माँ तो और ज्यादा करुणा की मूर्ति होती है, इन्हें मैं क्या कहूँ। तो श्री राम जी ने डायरेक्ट नहीं कहा और कहा कि हाँ मैया आप सही कह रही हो, मुझे जल्दी तैयार होना है,
लेकिन कल वाली घोषणा में और आज वाली घोषणा में थोड़ा सा एक शब्द का अंतर हो गया। क्या हुआ है? बोले कल भी पिताजी मुझे राजा बनाने जा रहे थे, आज भी राजा बनाएंगे, लेकिन है ना शब्दों में थोड़ा जगह जगह चेंज हो गई है। क्या हुआ? तो श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वन दे दिया, क्या कहा? पिता दिन मोहि कानन राजू, मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया है। कल तक अयोध्या का राजा बना रहे थे, आज मुझे उन्होंने वन का राजा बना दिया है। राजा जरूर बना हूं पर वन का बना दिया है। मैया समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहा है। तो श्री राम जी के साथ में सुमन जी के बेटे राम जी के सखा है, उन्होंने सारा वृतांत जब सुनाया तो मैया कौशल्या के हाथ से आरती थी थाली की वो नीचे गिर गई और मैया कौशल्या ने कहा कि बेटा अगर केवल पिता ने अनुमति दी है वन जाने के लिए तो मेरी प्रार्थना है कि माँ का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए माँ का कहना मान करके वन में मत जाओ, लेकिन अगर माँ और पिता दोनों ने तुमको वन में भेजा है, वन दिया है, तो फिर निर्भय होकर के वन में जाओ, वन ही करोड़ों अयोध्या के समान सुंदर होगा, इसलिए तुम निर्भय होकर के जाओ। श्री राम जी उदास है। राम जी ने कहा कि मैया कौशल्या मैया ने राम जी को गले से लगाया और कहा कि राघव दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हें वन मिला है, दुख इस बात का है कि बेटा तुम्हारी अवस्था जो है ये वन में जाने लायक नहीं है। मेरी दशा तो ऐसी हो गई जिससे सांप छछुंदर की स्थिति होती है वैसी मेरी स्थिति हो गई है। मैं ना तुम्हारे साथ में संग में चल सकती हूँ और ना ही मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। संग तुम